अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह खुश और आबाद रखे। अच्छा जी, मैं आज आपको अपनी फैक्ट्री का जितने भी मेरे पास ज़्यारत के आइटम है वो मैं दिखाता हूँ। बाकी थोड़ा सा छोटी सी वीडियो बनाता हूँ अपनी फैक्ट्री की, जो जो मेरे पास माल पड़ा हुआ है और मेरी फैक्ट्री कहाँ पर है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हमारे साथ रहिए। स्टार्टिंग में जो हमने इस और उस माल पे जो पानी डाला है, ये हमारे पास सबसे वाइट माल है, सही है। तो ये इस वाला, इस साइड वाला जो है ना, ये वाला, ये हमारे पास बिल्कुल ए क्वालिटी माल है। इसमें थोड़ा सा ग्रे का 5-6% कर लो, वो शेड आता है, बाकी साफ़ है। और ये हमारे पास 12x12 रह चुका है, 12x24 सब बिक चुका है, तो ये भी मुश्किल से मिल रहा है। बाकी वो जो दो तीन क्वालिटीज़ आपको नज़र आ रही है, वो ये 1470 में है ना, तो ये तीन क्वालिटी जो आपको नज़र आ रही है, इसमें 12x24 भी है, 12x12 भी है, जो कि हम ऑर्डर के मुताबिक काटते हैं। और अब चलते हैं हमारे उस स्टॉक पे जो हमारे पास 470 में मौजूद है। तो स्टार्टिंग सिल्की से करते हैं, ये चूँकि ज़्यारत नहीं है, सिल्की है, जो 24x24 और 12x24 और 12x12 का साइज़ है, जो बेसिकली ज़्यादातर तो 470 में होता है, लेकिन ये हमने ऑर्डर के लिए 770 में काटा था, जो कि आज लोग जिसको 670 बोलते हैं। तो ये फिर रह गया उस ऑर्डर से, और ये हमारे पास 770 में मौजूद है, जो ज़्यारत नहीं है। बाकी ये भी 770 है, लेकिन ये थोड़ा सा माल है, ज़्यारत है। अच्छा, ये हमारे पास ज़्यारत ग्रे है, जो कि तकरीबन 1000 फुट होगा, जिससे 12x24 बिक चुका है, वो थोड़ा सा रहता है, बाकी सारा बिक चुका है। और ये भी मुनासिब रेट पे है, इतना ज़्यादा रेट नहीं है इसका। अच्छा, इसके बाद आते हैं 6x24 रिसाइज, जो रिसाइज हुआ है बग़ैर पॉलिश, जो छतों पर और कमरों में लगता है और अच्छी डिज़ाइन इसमें आती है। ये हमारे पास वाइट ग्रे का है, बाकी ये हमारे पास ग्रे का है, 6x24 रिसाइज। ये तकरीबन 2500 फुट माल होगा। अच्छा, ये हमने एक ऑर्डर के लिए ग्रेनाइट मंगवाया है, जो यहाँ तो महंगा मिलता है, लेकिन एक ऑर्डर के लिए मंगवाया था वर्सक रोड पेशावर से, जो इधर पड़ा हुआ है। चलो, इसके बाद चलते हैं सिल्की का 470, जो 470 है, ये भी हमारे पास 5000 फुट माल होगा, इसमें 12x12 भी है, 12x24 भी है। और ये हमारे पास साफ़ो तंगी, जो कि बी क्वालिटी साफ़ो तंगी है, जिसका मैंने डिज़ाइन की वो डाली थी वीडियो, आप चेक कर सकते हो। बाकी ये हमारे पास आता है 6x12 किस्म केमोर का है, ये भी केमोर का है। और ये 6x12 हमारे पास बिल्कुल सुप्रीम ए क्वालिटी का है, ये इसमें बी क्वालिटी का है, ये दोनों केमोर है। अच्छा, अब इस साइड पे चलते हैं, तो इस साइड पे हमारे पास ये भी ऑर्डर में है, ये भी वो साफ़ो वाला माल है, और ये कमांडो, ये भी ऑर्डर में, जो बेसिकली हम नहीं लाते। अच्छा, फिर शुरू होता है केमोर वाइट, जो हमारे पास 2000 के करीब होगा, जिसमें 12x24 भी है, 12x12 भी है, ये बिल्कुल वाइट माल है, सही है, आप चेक कर सकते हैं। और फिर आते हैं हमारे पास केमोर 6x12, जो हमारे पास मौजूद है 970 और 1470 में, जो ऑर्डर के मुताबिक काटते हैं। अभी आता है हमारे पास ग्रे का 12x24, जो उसको हम ग्रे वाइट या वाइट ग्रे के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक था, लेकिन ये अभी थोड़ा सा रह गया, या 1500 होगा, 1500 के करीब होगा, जो मुनासिब रेट पे है। अच्छा जी, हमारे पास ये आता है 12x24 ग्रे, जो कि बहुत ही खूबसूरत माल है। थोड़ा सा ये रोड से ना रेत वेत आता है, थोड़ा सा मिट्टी आती है, तो इस वजह से थोड़ा रफ़ हो गया, बाकी खूबसूरत माल है, ये भी मुनासिब रेट पर। और ये हमारे पास 7-8000 फुट होगा, 12x12 और 12x24, जो कि अच्छा और ख़ूबसूरत माल है, रेट भी इसका बहुत मुनासिब है, क्योंकि हमने ये पहले काटा था, तो इसको हमें मुनासिब पड़ा हुआ था। फिर आता है हमारे पास जी ये 6x12, ये भी केमोर है, ये देखो, ये बिल्कुल वाइट केमोर है, ये भी हमारे पास 1500 होगा तकरीबन। फिर आता है हमारे पास ज़्यारत का स्टॉक, जो वाइट 6x12 पे मुश्तमिल है और बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे पास साइड पर भी दो किस्म के ज़्यारत पड़े हुए हैं। फिर ये जो माल है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है जी सिल्की पड़ा हुआ है, 770 डंडे इसमें रनिंग में है, बाकी 1470 जो 12x12 12x24 मौजूद है, जो 1470 में है,
ये 470 हम नहीं करते क्योंकि इसमें वो फिर नहीं होता, होलसेल के हिसाब से आसानी से बिक जाता है, ये उधर ले जाते हैं ना पंजाब के वो शोरूम, फिर काटते हैं ना अपने हिसाब से। अच्छा जी, ये जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है इस साइड पे, ये सारा 6 बार है जिसमें मुख्तलिफ किस्म है, वो फिर दरमियान वाला 6 बार है, ये भी ज्यारत नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये ज्यारत है, वो पिछला वाला भी ज्यारत है, तो वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, मसला बन जाएगा। लेकिन ये रहमान उसको कहते हैं, ये चीता है, और ये भी एक किस्म का कॉपर किस, लेकिन स्ट्रॉबेरी की तरह होता है लेकिन इसको कॉपर ही बोलते हैं। बाकी ये फिर खूबसूरत माल है हमारे पास, वाइट ग्रे ज़ियारत, जो मुनासिब रेट है। अभी मैं इसका रेट रिवील करूँ तो ये आपको मिलेगा 45 रुपये पर फुट, जो कि बहुत ही खूबसूरत शेड है इसका, ये आप देख सकते हैं, और ये इसका 6x24 है। फिर हमारे पास आता है जी, ये हमारा वो है, सही है, फिर हमारे पास आता है जी 12x24 ज़ियारत ग्रे, खूबसूरत माल, एक ही माल, एक ही शेड का। फिर हमारे पास आता है सिर्फ ज़ियारत ग्रे, जो सिर्फ 12x24 पर मुश्तमिल है, जिसमें थोड़ा सा 12x12 है। फिर हमारे पास आता है जी स्टॉक 4x12 का, ये स्ट्रॉबेरी 4x12 है। ये फिर आता है हमारे पास ग्रे का 4x12, ये फिर आता है हमारे पास थोड़ा सा ग्रे वाइट है, लेकिन ग्रे ही बोल सकते हैं, 4x12 है सॉरी। तो ये जितना भी पड़ा हुआ है सारा 4x12 है। अब इस साइड पे हमारे पास आता है जी रेड एंड वाइट का 6x12, जो थोड़ा सा रह गया अभी नहीं आ रहा, सॉरी ये तो आता है लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं आती इसमें, और ये फिर लाइट रेड एंड वाइट कहते हैं, या लाइट स्ट्रॉबेरी, ये भी हमारे पास 1800 के करीब होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत शेड है इसका। अभी हमारे पास आते हैं साफ़ो, जिसमें 12x24 बिक चुका है, 12x12 रह गया, ये भी खूबसूरत माल है, बहुत ही खूबसूरत है, इसमें वो फिर नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं 6x12, जो कि खूबसूरत माल है, ज़ियारत वाइट ग्रे, ए क्वालिटी वाइट ग्रे, ये थोड़ा सा महंगा है उससे 45 वाले से, लेकिन बाकी है खूबसूरत, और तकरीबन 7-8 हज़ार फीट होगा। अच्छा, हमारे पास फिर इस साइड में ये थोड़ा सा कॉपर आ गया, ज़ियारत आ गया। फिर हमारे पास सिल्की इधर भी पड़ा हुआ है, जो कि हमने पुराना काटा था। अभी आते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं तरकी तंगी, जिसमें पहला शेड आता है ज़ियारत नहीं है, सही है, ये भी ज़ियारत नहीं है, ये भी ज़ियारत नहीं है। अब हमारे पास आता है ज़ियारत ग्रे का स्टॉक, जो हमारे पास तकरीबन 14-15 हज़ार फुट मौजूद था, अभी रह गया सिर्फ 2-2.5 हज़ार, जो 12x24 इसमें अभी रहता होगा 1500 या 1200 के करीब, 12x12 भी उतना रहता होगा, और यही हम हमारे फैक्ट्री में सबसे कम रेट वाला ग्रे है, सही है। तो ये हमारे पास बचा हुआ है, अभी शायद ये और काटेंगे तो महंगा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास पुराना स्टॉक है, और ज़ियारत ग्रे इसको कहते हैं। हमारे पास फिर ये आ गया ज़ियारत बादल ग्रे, तो ये हमारे पास उससे भी कमज़ोर है, लेकिन ये बादल है, बहरहाल ये ग्रे है, सही है, ये ग्रे है। फिर हमारे पास आता है ज़ियारत वाइट ग्रे ए क्वालिटी, जिसकी मैंने पिक्चर फेसबुक पे भी डाली है, शायद यूट्यूब पे नहीं डाली। तो ये हमारे पास फिर ख़ूबसूरत माल है, और ये है 7000 फुट, जिसमें ये 12x12 है, और ये है 12x24, बहुत ही खूबसूरत एक ही शेड का माल, और रेट भी बहुत मुनासिब, ज़ियारत खानकाह ज़ियारत, सही है। ये हमारे पास आ गया ज़ियारत ग्रे, जो हमारे पास होगा 6-7 हज़ार फुट, ये भी खूबसूरत माल है, ज़ियारत ग्रे का शेड है इसमें। और फिर आता है हमारे पास जी ज़ियारत वाइट ग्रे बी क्वालिटी, ये फिर ज़ियारत वाइट है, ये महंगा है, ये तकरीबन 200 के करीब है, लेकिन वाइट माल है, बहुत ही खूबसूरत माल है, और ये हमारे पास होगा 2500-3000 फुट होगा। अब आता है ये जो माल, ये है, हमने एक दोस्त के लिए एक आर्डर तैयार की है, तकरीबन 8000 उसको चाहिए, और ये भी तकरीबन इसमें 500-600 या शायद 800 के करीब कम होगा, बाकी बराबर है। तो ये लाहौर से मेहमान आएंगे तो उनके लिए तैयार किया हुआ। बाकी आते हैं हमारे पास जो ये भी मेरे ख्याल में ये ग्रे है, ये एक बंदे का माल है, सॉरी। इसके अलावा हमारे पास आते हैं तरकी तंगे, जो कि ज़ियारत की तरह वाइट है, सॉरी इसका वाइटनेस ज़ियारत से भी ज़्यादा है, लेकिन इसका रेट जो है ज़ियारत के ग्रे जितना है, शायद उससे ग्रे वाइट जितना या ग्रे जितना कह सकते हो। तो ये हमारे पास 1500 के करीब होगा, सारा 12x24 है। अच्छा, ये हमारे पास रेड एंड वाइट आ गया, ये भी सारा 12x24 है, और ये भी मुनासिब रेट पे है। और इसके अलावा हमारे पास आता है सिल्की सॉरी स्ट्रॉबेरी लाइट, जिसका पिंक स्ट्रॉबेरी हमारे पास था तकरीबन
तकरीबन कह सकते हो 5000 फुट तक सारा बिक चुका है। फिर इसके बाद आता है कैमोर 12-12, जो दो स्टॉक मौजूद है। ये थोड़ा सा पीला शेड, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा इसमें पीला शेड आता है, अगर आप देख सकते हो तो। और ये फिर उससे साफ है, ये भी मुनासिब रेट पे है। अच्छा, उस साइड पे जितना माल पड़ा हुआ है सारा पॉलिश ये 12 है, ये अभी साइज़ होगा। और ये अंदर जो है फिर मशीनें हैं, और ये हमारा व्यू है शोरूम का। तो आपको हम मशीन भी दिखाते हैं, जितनी मशीनें हमारे पास लगी हो, जो किस तरह कटता है ये वो ना, इसकी बहुत सी वीडियो मैंने डाली है, आप देख भी सकते हो कि कैसे मतलब रिसाइज होता है, सेक्शन होता है। ये पॉलिश सही है इसके हिसाब से, ये जितना भी माल पड़ा हुआ है सारा ऑर्डर में पड़ा हुआ है, ये भी ऑर्डर में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये माल भी हमारे पास ऑर्डर में है, ये कैमोर है, ये ज़्यारत है ग्रे और वाइट, सही है। ये आ गया, ये रेज़र जितने मतलब कोना कट, ये सारा, ये स्ट्रॉबेरी आ गया, ये सारा ऑर्डर में पड़ा हुआ है। तो ये ज़्यारत वाइट है, ये भी ऑर्डर में पड़ा हुआ है। तो ये जितना इधर माल पड़ा होता है ना, वो ऑर्डर में होते हैं, या बाज़ औक़ात दोस्त का ऑर्डर होता है, या ज़्यादातर हमारा होता है ना, तो ये ऑर्डर में पड़ा हुआ है। बाकी ये भी माल देखिए, बहुत खूबसूरत माल है साफों का, ये भी ऑर्डर में पड़ा हुआ है, ये फिर ज़्यारत वाइट ग्रे। अच्छा, ये जितनी है वो उस एंड तक सारी मशीन है ना। तो वीडियो अभी भी पूरी लेंथी हो गई, तो यही था हमारा थोड़ा सा शॉर्ट टूर। अगर एक एक सैंपल के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में समझ समझाओ तो वीडियो फिर घंटा आधा घंटे तक पहुंच जाएगी। तो इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हो और आ भी सकते हो। हमारी जो लोकेशन है शबकदर पेशावर, शबकदर सुबानखोड़, ये मेन रोड सुबानखोड़ का जा रहा है, सही है। ऊपर नीचे हमारे ये जितना भी है सारा मार्केट है। बाकी ये जितना हमारे पास जो मैंने पोस्ट डाली थी 15,000 6,000, ये वो वाला है। बाकी ये सीढ़ियों का माल है, रेज़र वेज़र, ये जितना सब कुछ है ये इधर पड़ा हुआ है। ये हमारे पास जो बी क्वालिटी वाइट ग्रे था, ये इधर आ गया, जो 1400 रुपये, ये तीन जगह तकरीबन 8-9,000 फुट होगा। और ये हमारा दफ्तर है छोटा मोटा। तो खुश रहो और सपोर्ट करो, और लाइक फॉलो करो, सॉरी सब्सक्राइब करो, और दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।